नमस्कार, एमबीसीजे 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सद्भावना मित्र मंडल एवं कालीघाट जनकल्याण समिति के द्वारा विशाल भंडारा महाप्रसाद का आयोजन। सामाजिक कार्यों में अग्रणी लांजी सद्भावना मित्र मंडल एवं जनकल्याण समिति के द्वारा विगत कई वर्षों से श्रावण मास के तृतीय सोमवार को विशाल भंडारा महाप्रसाद का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में श्रावण मास के तृतीय सोमवार 1 अगस्त को सद्भावना मित्र मंडल एवं कालीघाट जनकल्याण समिति के द्वारा विशाल भंडारा का आयोजन कर महाप्रसाद वितरण किया गया। तत्पश्चात समिति के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों ने नगर के भगवान कोटेश्वर धाम तथा लांजी नगर के अन्य सभी मंदिरों में भी अन्न भोग लगाया गया। भगवान को भोग के पश्चात कांवड़ियों एवं भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण कर अनुग्रहित हुए। इस आयोजन में समिति के संरक्षक गिरधारी लाल अग्रवाल, सद्भावना मित्र मंडल के अध्यक्ष योगेश नामटेकर, राजकुमार कर्राहे, डॉक्टर नितिन पसीने, मधुकर आसकर, झनकार किरणापुरी, कैलाशपुरी गोस्वामी, रूपचंद नामटेकर, सतीश दुर्गकर, देवानंद पूर्वे, विशाल दुग्गर, सुरेंद्र पसीने, हुकुम चंद समस्त कांवड़ियों कोटेश्वर धाम पहुंचे। समस्त श्रद्धालु जनों ने महाप्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। एमबीसीजे 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। विगत लगभग 30 वर्षों से सद्भावना मित्र मंडल लांजी और कालीघाट जनकल्याण समिति लांजी, ये दोनों एक ही समिति है, इसके नाम से यहाँ पर होगा दरबार में। ये विगत 30 साल से यहाँ भंडारा होता है। भंडारा में सारा चीज बनाया जाता है, दाल चावल सब्जी पूरी खीर हलवा, और उसमें क्या है कि ये पूरा भंडारा समिति की ओर से होता है। समिति के जितने सदस्य हैं लगभग 25 सदस्य हैं, 25 सदस्य अपना खुद ही चंदा देते हैं, बाकी एक दो लोग और बाहर के भी देते हैं, तो इनके सहयोग से ये भंडारा होता है और ये 30 साल से हो रहा है। और लगभग कभी 5,000, 7,000, 10,000 लोग तक के यहाँ पर भोजन करते हैं। ये कितने जगह आपके द्वारा भोग लगाया जाता है? समिति की तरफ से भोग लगाया जाता है कम से कम 31 जगह भोग लगाया जाता है। कोटेश्वर से लेकर के माँ लंका मंदिर तक के जितने भी मंदिर पड़ते हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, सभी जगह इसका भोग लगाया जाता है। और उस भोग लगने के बाद फिर यहाँ पर कल्याण, ये सब जनकल्याण के लिए होता है, और खासकर सावन के महीने में होता है, इसलिए मतलब अच्छी बारिश हो, अच्छी फसल हो और लोगों का कल्याण हो, उस दृष्टिकोण से ये हम लोग मनाते हैं। क्या हमारी समिति जो है वशिष्ठ में दुर्गा जी की स्थापना करती है, दुर्गा जी का पर्व होता है, वही समिति जो है बाबा के दरबार में, दोनों मित्र मंडल और कालीघाट जनकल्याण समिति। थैंक यू।